अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकिन भरोसा तो टूट गया ना, और जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था तो फिर क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें की तुमने? क्यों? भरोसा टूटा कहाँ है सर जी, भरोसा तो और मजबूत हो गया है। आपकी जगह अगर कोई और होता तो ये कह देता कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं है। लेकिन तो ये कह रहे हैं कि आपको कुछ याद नहीं है, इसी से तो पता चलता है ना कि आप कितने सच्चे हैं। तो आप पर भरोसा ना करने की गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? एक तरफ तुम भरोसे की बात करती हो और दूसरी तरफ तुम उस लड़की को इस घर में रखना चाहते हो जिसने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। वो लड़की मेरी बहन है सर जी, बचपन से माँ बनकर पाला है मैंने उसे। फिर आप बताइए इस हाल में उसे कैसे अकेले छोड़ दूं मैं? आप ना मेरा यकीन मानिए, मैं जो भी कर रही हूँ परिवार की इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ। खाक परिवार की इज्जत बचाओगी तुम? तुमने सुना नहीं मॉम ने क्या कहा कि अगर वो लड़की इस घर में रहेगी तो लोगों को लगेगा कि शादी से पहले एक प्रेग्नेंट लड़की हमारे घर में क्यों रह रही है और हम लोग उसे अपने परिवार में छुपा क्यों रहे हैं। तुम्हें पता मुझ पर उंगलियां उठे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे परिवार पर उंगलियां उठेगी ना वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई मेरे पीछे आ भी रहा होगा तो मुझे देखकर सतर्क हो जाएगा। मुझे रूही और पुलिस से पहले गुरु माँ तक पहुंचना ही होगा। अग्नि, ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 8:30 बजे। दादाजी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज हम कला को कहीं रखकर उसके बच्चे को अच्छी परवरिश देंगे, पर प्लीज उसे इस घर में रखकर मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मत मिला। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज ये चिट छोड़ दो, प्लीज। क्या कर रहे हैं ये कुतिया? आप चाहते हैं ना मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती? आपकी आंखों के आंसू बनने का कारण बनने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। खबरदार, जो अगर तुमने मरने की बातें की तो चीनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो गुस्सा हो रहा ना मुझे अपने आप पर कि उस रात मैंने क्यों शराब पी, क्यों मुझे कुछ याद नहीं है, क्यों वो सब कुछ हुआ। आपकी गलती नहीं है, बस हालात की गलती है। आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। दीदी, दीदी कहाँ है तू? मैं आती हूँ सर जी। हेलो यार डॉक्टर, मुझे पूछना था कि क्या एक प्रेग्नेंट लड़की का डीएनए टेस्ट करके पता किया जा सकता है कि उसका फादर कौन है? पता तो किया जा सकता है सर, लेकिन उसके लिए बच्चे का कम से कम 9 हफ्ते का होना जरूरी है। ओके, 9 हफ्ते, इसका मतलब मुझे 9 हफ्ते और इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए। ओह,
दोनों बहनें मिलकर मेरे बेटे को पागल कर देंगी। उस दालचीनी से तो मैं बाद में निपटूंगी, लेकिन सबसे पहले इस कला को घर से निकालना होगा। नहीं दीदी, नहीं, प्लीज समझने की कोशिश कर। मैं नहीं चाहती कि इनकी नफरत और इनके तानों के बीच में मेरा बच्चा पैदा हो। और वैसे भी तू खुद बता, एक तेरे अलावा कौन चाहता है मुझे यहाँ पर रखना? और वैसे इतनी मुश्किलों के बाद अब जाकर तेरा और इन घर वालों का रिश्ता बेहतर हुआ है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से कोई दरार डाल दूं तुम लोगों के बीच में। संभाल अपने आप को, इस हाल में तुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तू भी ना, पहले तू बैठ यहाँ पर। क्या सोचती है तू, किस मिट्टी की बनी है? हाँ, यहाँ मैं गिल्ट में मरी जा रही हूँ कि मैं तेज और तेरे बीच में आ रही हूँ, और तू है कि एक माँ की तरह मेरा ख्याल रख रही है। बस 24 घंटे का इंतजार है दीदी, उसके बाद तुझे पता चलेगा कि तेरी असली जगह कहाँ है। तेज ने अगर तुझे खुद इस घर से बाहर नहीं निकाल दिया ना, तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन दारजी, ये जमीन का टुकड़ा तो हमने तेज और उसके होने वाली बीवी का जो बच्चा होगा उसके लिए संभाल के रखा था ना। सब भगवान की यही मर्जी है कि ढिल्लो परिवार का वारिस इसी तरह दुनिया में आएगा। बस ये कागज ट्रांसफर करने के लिए वकील से बात कर। माफ करना दारजी, मैं आपके इस फैसले से ना सहमत नहीं हूँ। हम कला के बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपनी दालचीनी के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर सकते ना। अगर आज बीजी बोल पाते ना, तो वो भी यही कहती कि आप गलत कर रहे हो। परम तेरे बीजी क्या चाहते हैं ये हम सब कल देख चुके हैं। किसी और को विश्वास हो या ना हो, बीजी को भरोसा है कि मेरे पेट में ढिल्लो परिवार का चिराग है। अगर ये कला के बच्चे को अपने इस घर का वारिस ना मानती होती, तो इतने सालों के बाद ये हाथ न हिलता। दिव्या चाची, 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 क्या हुआ आपको? किसने मारा है पत्थर? लड़की चुप कर जाइए, ऐसे कैसे घुसे जा रहे हैं घर के अंदर? अमनवीर जी, आपका यहाँ क्या काम? यहाँ कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करने आए हैं आप? जिसके परिवार पर इतने दाग लगे हो ना, उसे दूसरों से सवाल पूछने का कोई हक नहीं दालचीनी। और तूने जो खेतों में जो शर्मनाक हरकत की थी ना, उसकी सजा से तो तू बच गई, लेकिन तेरी बहन को बिन ब्याही माँ बनने के लिए हम नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।